तो बातचीत कर रहे हैं हम एक्सेल की सेटिंग्स के ऊपर, एक्सेल का ऑप्शंस। अब एक्सेल का ऑप्शन पढ़ने से पहले जान लीजिए कि सेटिंग जरूरी क्यों है। कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि पहले दूसरी क्लास में आप हमें एक्सेल की सेटिंग क्यों पढ़ाते हैं। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसके रिंगटोन, वॉलपेपर चेंज करते हैं, लैपटॉप लेते हैं तो उसकी भी सारी सेटिंग करते हैं। उस जैसे आपके एक्सेल स्टार्ट करें तो आपको अपने हिसाब से सेटिंग करना है। इसमें सेटिंग किस तरह की होगी, चलिए हम इसी चीज़ पर आपके साथ बात करते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले आप देखिए अनेबल लाइव प्रीव्यू। अब ये क्या, देखिए क्या होता है, जब भी आप कलर अप्लाई करते हैं ना कोई फॉर्मेट या कलर, तो जैसे जैसे माउस पॉइंटर लेते हैं यहाँ पे उसकी प्रीव्यू आपको लाइव दिखाता है, लाइव प्रीव्यू दिखाता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर कभी अगर प्रॉब्लम हुई कि प्रीव्यू ना दिख रहा हो, इसका मतलब है कि किसी ने आपकी जनरल में जाके इस अनेबल लाइव प्रीव्यू को अनचेक कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब भी किसी पे कर्सर रखते थे यहाँ पे स्क्रीन टिप्स आता है, तो जब हम लोग क्यूसी करते थे या इंटरव्यू लेते थे तो हम लोग इस फीचर को डिसेबल कर देते थे। किससे प्रॉब्लम होती थी इंटरव्यू लेते, इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई भी पर्सन मुझे ऐसा लगे कि तुक्का लगा ले, स्क्रीन शॉट को देख के तुक्का मार दे। तो हम लोग क्या करते थे, फाइल मेनू बार में जाते थे, एक्सेल ऑप्शन पे आते थे और यहाँ पे अनेबल लाइव प्रीव्यू आपको दिखा, इसको अनचेक कर देते थे। डॉन्ट स्क्रीन टिप कर देंगे तो किसी भी फीचर के ऊपर कर्सर रखेंगे तो उसका जो डिटेल आता है, जो हेल्प आता है, वो हेल्प नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका आता है डिफॉल्ट। जब भी फाइल नई आपकी खुलती है तो उसका डिफॉल्ट एक फॉर्मेट होता है, फॉन्ट हो गया, उसका फॉन्ट साइज हो गया, व्यू हो गया, नंबर ऑफ शीट्स कितने होंगे, वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो यहाँ से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैलिबरी और डिफरेंट फॉन्ट होता है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है ये आपका यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है, जैसे कोई फाइल है आपकी, इस फाइल को किसने बनाया है, उस पर कर्सर रखते ही पता चल जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि डिफॉल्ट जो फाइल नेम होते हैं, फाइल की जो यूजर नेम होता है, वो आपकी एडमिन वन एस यूजर वन टू होता है, जिससे एग्जैक्ट प्रॉपर पता नहीं चल पाता है कि आखिर इस फाइल को किसने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नेम जो है अपने हिसाब से रख दीजिएगा। उसके बाद आता है इसका थीम, जैसे कि क्लाउड है तो इसको आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। थीम तो छोड़िए, थीम भी उतना कोई खास नहीं है, लेकिन इसको आप देते हैं, ये करते हैं इसकी ऑफिस जो थीम है, जैसे मैंने रख दिया मैं डार्क ग्रे, तो ये आपका देखिए डार्क ग्रे हो गया। एक्सेल ऑप्शन भी अगर मैं डार्क ग्रे की जगह पर रख दिया ब्लैक, क्या करता हूं अब ब्लैक हो गया। तो ऐसे आप अपने सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पे कलरफुल कर देता हूं तो कलरफुल हो जाएगा। अब एक्सेल ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन हमारा आता है, वो आता है फॉर्मूला।
फॉर्मूला मेनू बार में एक आता है R1 सीरियल रेफरेंस स्टाइल, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ABCD दिख रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो A1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और A1 B1 C1 था ना एड्रेस, इस पर कर्सर रखिए आपको दिखेगा R2 C1, ठीक है। अब इसको आप चेंज करते हैं, एक्सेल ऑप्शन पे आते हैं हम, यहाँ पे फॉर्मूला पे आते हैं, R1 में आते हैं। दूसरा होता है अनेबल बैकग्राउंड एरर चेक, जैसे कुछ भी ऐसा लिखते हैं जो कि एक्सेल के में एरर कहलाता है, तो आपको कॉर्नर में कुछ इस तरह, चाहे फॉर्मूला या टाइपिंग हो, कुछ इस तरह का सिंबल आ जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इसके बारे में देखिएगा, कन्वर्ट नंबर इग्नोर करेंगे तो हट जाएगा, बट कहीं और करेंगे तो वापस आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ये फीचर डिसेबल रहे, ये फीचर रहे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आने के बाद जाएंगे आप इसमें फॉर्मूला में, इसको अनचेक करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके सिस्टम पे ही हटेगा, किसी और सिस्टम पे जाएगा तो वापस वो दिखेगा ही, ठीक है। उसके बाद इसमें नॉर्मल चीजें, अब बात करते हैं डेटा का, कुछ खास नहीं है। प्रूफिंग में आते हैं, प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक्सेल पे लिखता हूँ MS, स्पेस देता हूँ, ऑटोमेटिक मंथली सेल रिपोर्ट आ गया, DS लिखा डेली सेल्स रिपोर्ट आ गया, DL लिखा न्यू दिल्ली आ गया। तो ऐसे शॉर्टकट हमने बनाए हुए हैं कहाँ, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पे आएंगे, यहाँ पे डालिए जो बनाना है, और जो आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे एड रिप्लेस कर दीजिए, ओके। तो आपके कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड होंगे या कोई सेंटेंस होगा जो बार बार आप यूज करते हैं, वो चीजें यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस जो एवरी टाइम यहाँ आप यूज करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि जैसे आप कोई ईमेल आईडी या किसी तरह के वेबसाइट आप लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा iptindia.com, जैसे आप इंटर मारेंगे तो ये दिखे ब्लू कलर का हो गया, हो गया ना सर, ये जो आपके यहाँ आ गया, ठीक। प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी जब डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें इस तरह का आता है, मुझे चेंज करना है, क्लिक हो जाता है, क्लिक होते ही मेरा खुल जाता है विंडो,
तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे बार बार इसको सेलेक्ट करके रिमूव हाइपरलिंक करना पड़ता है, इसको सेलेक्ट की जा और क्लियर में गया रिमूव हाइपरलिंक। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का आए ही ना, नॉर्मल ईमेल आईडी आए, इस तरह के हाइपरलिंक ना लगे। तो यहाँ ऑप्शन में आता हूँ, ऑप्शन में आने के बाद प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट और यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट यू टाइप पे आइए, और यहाँ दिख रहा है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक, इसको अनचेक कर दूँ, इसको अनचेक कर दूँ। ठीक है, अब अगला ऑप्शन इसमें आता है सेव। यहाँ पे आप अपने फाइल का डिफॉल्ट सेव फॉर्मेट टाइप कर सकते हैं कि आपका फाइल का डिफॉल्ट सेव का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। उसके बाद आपका फाइल का डिफॉल्ट सेव लोकेशन, जब आप सेव करते हैं तो आपका फाइल डॉक्यूमेंट पे सेव होता है ना सर, बाय डिफॉल्ट जो आता है वो ब्राउज में करते समय वो डॉक्यूमेंट ही आता है आप, लेकिन डॉक्यूमेंट में आप बराबर फाइल सेव करते नहीं, आप सेव करते हैं डी ड्राइव सी ड्राइव में। तो यहाँ पे आप उस ड्राइव का लिंक दे सकते हैं, आपका वाइटेबल उसी में आएगा। लैंग्वेज और इजी टू एक्सेस कोई खास नहीं है, सेम है। एडवांस में कुछ छोटे मोटे चेंजिंग है, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो कर्सर डाउन होता है क्या, तो डाउन की जगह पे आप लेफ्ट राइट अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां आपके साथ ए आता है, जैसे कि डेसिमल प्लेसेस क्लिक कर देंगे तो अब 100 लिखेंगे तो दिखाएगा एक, जो भी लिखेंगे सबको जो है डिवाइड कर देगा 100 से। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रैग एनेबल द फिल हैंडल, जैसे किसी को सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ से ड्रैग की जा सकती है आसानी से। ठीक है, उसके अलावा अभी छोटे मोटे हैं जैसे कि यहाँ पे और देख सकते हैं, जैसे कि सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, अगर ये अनचेक कर देंगे तो जो स्क्रॉल बार दिख रहा है ये स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। वर्टिकल स्क्रॉल बार, सेम वर्टिकल स्क्रॉल बार। सीट टैब, तो सीट के नाम है वो नहीं दिखेंगे। तो सीट के नाम है वो नहीं देंगे। उसके बाद ये कॉलम का जो हेडिंग है वो हटा सकते हैं, सीट को लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपके पास आता है एडिट कस्टम लिस्ट, लास्ट में जब देखेंगे तो एडिट कस्टम लिस्ट आएगा।
कि क्या होता है इसके बारे में चलिए बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूजा, नीचे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे पूजा, नीरज, कविता, मोहन आ गया, ठीक है। लेकिन इस तरह की लिस्ट आपके सिस्टम में तो नहीं आएगा ना, तो हमने क्या कर रखा है, एक्सेल ऑप्शन में गया मैं, गया यहां पे एडवांस और यहां एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। तो यहां पे आप अपनी लिस्ट, जैसे मैंने यहां बनाया ना, ऐसे लिस्ट अपनी बना लीजिए, ऐसे क्लाइंट लिस्ट हो, आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो, टीम लिस्ट हो, जो लिस्ट बार बार आप कॉपी पेस्ट करते हो या टाइप करते हो आप यहां यूज कर सकते, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉर्टिंग सॉर्टिंग में कस्टम सॉर्ट, यहां कस्टम लिस्ट, उसके बाद यहां पे आता है कस्टमाइज, यहां पे कस्टमाइज रिबन, आप अपने रिबन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई रिबन, कोई मेनू बार को अगर आपको डिसेबल करना है तो क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। इसमें देखिए क्लिक करेंगे ऑल कमांड, इसमें कमांड नॉट इन द रिबन में, तो इतने सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये रिबन में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, ये रिबन में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे ये है, ये सारे फीचर्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ कस्टमर ये आता है, ये आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ भी ऑप्शन दिख रहा है ना, अगर आपको यहाँ कोई ऑप्शन डालना है ताकि क्विकली यूज कर सके तो क्विक एक्सेस टूल बार में जाइए, यहाँ से जो रिबन है जो भी सिलेक्ट करना है ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए, यहाँ आपको दिख जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर ऐड कर रखा है, तो मुझे ऑल बॉर्डर लगाना होगा तो होम मेनू में जाने की जरूरत नहीं है, क्लिक करूँगा यहीं पर लगा, इसका शॉर्टकट भी बन जाता है ऑल्ट के साथ। यहाँ देखिए नंबर टू आ रहा है ना, नंबर टू प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपका बॉर्डर लग गया, कुछ नहीं बनाना है सर आपको, फाइल में जाना है, ऑप्शन पे जाना है, क्विक एक्सेस टूल बार जो ऑप्शन क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए, जो ऐड करेंगे तो यहाँ ऊपर के लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहां ऊपर के लिस्ट में आ जाएंगे, नहीं यहां ऊपर ये दिखा है ना, ऊपर यहां आ जाएगा, यहां मेनू बार दिख रहा है, यहां पे देखिए से ऊपर मेनू बार फाइल के ऊपर दिखा कि नहीं दिखा, हाँ उस पे आ जाएंगे आपको सर, यहां पे आ जाएंगे सर। तो जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ऑल्ट प्रेस करते ही मेनू बार एक्टिवेट हो जाता है ना, हर ऑप्शन कुछ ना कुछ की मिलता है, तो इसको भी जो है की मिल गया है। ओके, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल मेनू बार, मैं यहां पे फाइल मेनू बार क्लियर कर कंप्लीट करता हूं, ठीक है। आप इसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन छोड़ दिए क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो चेंज करने से बेनिफिट है उसी को हम समझाएंगे ना, जो चेंज करने जिसको बेनिफिट नहीं है उसको क्यों समझिएगा,
तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब कल से हम बात करेंगे होम मेनू बार, जिसमें कॉपी पेस्ट और बाकी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो फोन कॉल कर लीजिएगा, और आज से जो है क्लास कंटिन्यू रहेगी।